हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की एग्जाम देने जा रहे हो, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम बोलते हैं, मतलब बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2788 पोस्ट के ऊपर जो वैकेंसी आई थी, उसकी एग्जाम डेट आपको पता चल चुकी है भाई। 4 दिसंबर यहाँ पर एग्जाम डेट रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 4 दिसंबर आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। 4 दिसंबर को आपका एग्जाम है मेरे दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर जो महत्वपूर्ण आपके सवाल है वो चर्चा करने वाले हैं। बात आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा एडमिट कार्ड कब आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में ये बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर हमें जाना है, वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर हमें उपस्थिति देनी है। साथ में एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा क्या, या आपका फिजिकल प्रमाण पत्र भी साथ लेकर जाना है क्या, या फिर कितने बच्चे एग्जाम देंगे लगभग, और पेपर ऑनलाइन होगा क्या, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, वीडियो को शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स और महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको उन बच्चों को बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी भी हमारे YouTube चैनल या टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, उन बच्चों के लिए भाई बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जो नहीं जुड़े उनके लिए बोल रहा हूँ कि आपको ना तो भाई पढ़ने का मैटर चाहिए, ना आपको शॉर्ट क्लासेस चाहिए, ना आपको वो टॉपिक चाहिए। मतलब आप यार क्यों नहीं जुड़ पा रहे, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, क्यों नहीं जुड़ रहे हो आप? आपको जुड़ना चाहिए मेरे दोस्तों। क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि आपका भाई बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन को पास जाके आया हुआ, मतलब मेडिकल की रेफर की वजह से बाहर है। तो आपको पता है, आपको भाई को पता है कि भाई क्या कुछ होता है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में। आपके लिए भाई के दोस्त आज भी बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं, तो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। 2019 की भर्ती थी, उसमें आपको ऑफलाइन एडमिट कार्ड आया था, इस बार सारा का सारा इन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस कर दिया। तो जाहिर सी बात है भाई, ऑनलाइन ही आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर आने वाला है। तो मैं बता दूं, आपका यहाँ पर ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड आएगा। ये आपका बिल्कुल सही है, ये एडमिट कार्ड आपका ऑनलाइन ही आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, कई बच्चों के डाउट है कि सर हमने जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया था, सेंटर का वो नहीं दिया था, वो नहीं दिया था। देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको स्पेशली बता दूं, फिजिकल प्रमाण पत्र आप सेंटर या जाति प्रमाण पत्र दो या ना दो, यानी दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ने वाला? क्योंकि फिजिकल का टाइम आपका डीवी हुआ था, उस वक्त आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे। अब डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवा पाए, वो आपकी गलती। मैंने आपको 1 महीने पहले आगाह कर दिया था भाई, इतनी तारीख से फिजिकल है, ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चे बना लो और ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने। अब इसका खामियाजा आपको कैसे भुगतना पड़ेगा वो मैं बता दूं आपको। यदि आपने वहां पर जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया सेंटर का, तो आपको वो जनरल में डाल देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। अभी आप जाते प्रमाण पत्र लेकर जाओगे, सर ये ले लो वो ले लो, अभी आप एग्जाम के टाइम कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाएगा, 1% ही आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। आपका मेडिकल के टाइम डॉक्यूमेंट्स लिया जा सकता है, पर एग्जाम के टाइम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता। ये चीज मैं स्पेशली आपको क्लियर कर दूं, तो एग्जाम के टाइम आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जाता। फिजिकल प्रमाण पत्र आप लेकर जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोलूंगा घर रहने दो, क्या क्या लेकर जाना वो भी मैं बता दूंगा, कितने बच्चे एग्जाम देंगे। मेरे दोस्त लगभग पूरे इंडिया के अंदर आपके 5 लाख+ बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। अकेले यूपी से 36,000 प्लस आपके, 46,000 प्लस आपके बच्चे। प्रत्येक ट्रेड का मैं बता दूंगा आपको किस ट्रेड में कितने आपके, ऑलरेडी वीडियो पड़ा है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। यूपी का गुरुग्राम हरियाणा की तरफ से पूरी रिपोर्ट आपके सामने। तो लगभग 5 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। इसकी बात कर ले, पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, मेरे दोस्त पेपर आपका ऑफलाइन ही होने वाला है। ये दिमाग से निकाल दो कि पेपर ऑनलाइन होगा, आपका पेपर आपका यहाँ पर ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑफ मार्क बेस्ट आपका पेपर होने वाला है। ये चीज मैं आपको स्पेशली बता दूं। और बता दूं, कई बच्चों के लिए डाउट है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होने वाली है। इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, वो आपकी मर्जी है, करो या ना करो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये सारे हो गए, ये डाउट हो गए मेरे को लगता है। महत्वपूर्ण डाउट है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। देखो मेरे दोस्तों, मैं बताऊं आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। आपको एक ऑनलाइन एडमिट कार्ड आएगा, वो साथ में आपको यहाँ पर 4 फोटो, अपना एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो आपके पास है फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेकर जाना है। ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। अब कई बच्चों के मिस्टेक होते हैं कि आधार कार्ड में नाम अलग है, फॉर्म भरते वक्त अलग है, तो उन बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप या तो नाम अपडेट करवा लीजिए, या फिर आप एक काम कीजिए, अपना वोटर आई डी जिसमें आपका नाम 6 में 10 की मार्कशीट और जो एडमिट कार्ड के नाम आया उसमें आपका मैच खा रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपका नाम, वही आप लेकर जाए आईडी प्रूफ।
नहीं तो आप वहां से बाहर कर दे जाओगे, आपकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये चीज मैं ही बता रहा हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्तों। तो आपको ओरिजिनल आईडी प्रूफ वो लेकर देना है जो 10th की मार्कशीट में आपका सेम हो, और 10th की मार्कशीट के बेस के ऊपर आपने फॉर्म भरा होगा। फॉर्म भरते वक्त जिन बच्चों ने गलती की वो भाई आपको बता दो यार, क्यों ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलती आप करते हो। आपका भाई आपको सर एक जानकार देता है, फॉर्म भरना कैसे है, फॉर्म का एडमिट कार्ड कैसे निकालना है, क्या कुछ करना है, सब कुछ आपको बताता है। एक एक चीज को आपको क्लियर करता रहता है। यहाँ पर ये भी बताऊंगा पेपर किस तरीके से आपको हैंडल करना है। अभी वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर बोलेंगे भाई पेपर किस तरीके से आपको हैंडल करना है, कि पेपर को आपको किस तरीके से देना है। क्योंकि मेरे दोस्त बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर ये नहीं बता होता कि पेपर किस तरीके से हमें देना है, ठीक है ना। तो वो चीज भी अलग से बता देंगे भाई पेपर कैसा पोस्टेबल ट्रेड्समैन का किस तरीके से हम हैंडल करें कि हमारा पेपर निकल जाए। एक चीज आपने नोटिस किया कि बीएसएफ क्या करती है, आज तक ये जितने ट्रेड्समैन के एग्जाम हुए, जो आपके सी ग्रुप के एग्जाम हुए, उनमें आपके 5-7 क्वेश्चन गलत होते हैं, उन क्वेश्चनों के आपको नंबर मिलते हैं। बल्कि 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनको आपको भाई सीरीज वाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे आपको कम से कम 5 नंबर का आपको फायदा होने वाला है बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन के पेपर में। ये चीज मैं आपको स्पेशली बता दूं। बात करता हूँ डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया, एडमिट कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड जो आपके पास हो, और 4 फोटो, और आपके पास ब्लैक या नीला पेन होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। इसके अलावा एडमिट कार्ड कब आएगा मेरे दोस्तों, एडमिट कार्ड आपको 20 नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा। 20 नवंबर को आपका यहाँ पर आरओआरएम की एग्जाम है, उसके बाद ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। जैसे एडमिट कार्ड आएगा आपका भाई आपके इसके अकॉर्डिंग वीडियो बना देगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फ्री रहो, नो टेंशन रहो मेरे दोस्तों। आपका भाई आपको हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। और मैं बता दूं मेरे दोस्तों, फ्री मॉडल पेपर चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां से आपका एक मॉडल पेपर फ्री अपलोड हो चुका है। तो टोटल 20 मॉडल पेपर मैं यहाँ पर डालने वाला हूँ जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और वहां पर मैं आपको 777 क्वेश्चनों की महा सीरीज भी आपको डालने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से एसएससी जीडीए न्यू पैटर्न पर आधारित तो नवीनतम आपका पाठ्यक्रम आया, उसके ऊपर आपकी बहुत ही बेस्ट बुक आ चुकी है जो कि निकल कर आ रही है आपकी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, जिसमें आपका रायपुर में जीडी जो आसाम रायपुर की सारी भर्ती है उसके अकॉर्डिंग बता दूँ। इसमें आपकी स्टडी गाइड ये है जिसमें आपको पूरा आपको यहाँ पर सामान्य बुद्धि आपको बता दूँ रीजनिंग, जीके और गणित और हिंदी और इंग्लिश आपको दिया गया है। 2800 भविकल्पिक प्रश्न मिलेंगे, 3 सॉलिड पेपर आपको 2021 सहित, मतलब आपको 2021 के आपको यहाँ पर सॉलिड पेपर मिलेंगे, 100% गारंटी आपको मिल रही है, ठीक है ना। ये देख सकते हो मेरे दोस्तों पूरा आपको जिस तरीके से आपको यहाँ पर जो आपका सिलेबस बताया उसके अकॉर्डिंग आपका ये बनाया गया है। देख सकते हो पूरी की पूरी बुक आपके सामने आ चुकी है मेरे दोस्तों, जो कि निकल कर रहा है चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से, ठीक है ना दोस्तों। बहुत ही अच्छी बुक आपके सामने निकल कर आ रही है, ये देख सकते हो मेरे दोस्तों पूरी विषय सूची आपको दे रखा है, पूरा जिस तरीके से चक्षु आपका जो आपका जो आया है मतलब सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको ये बुक दे रखा है। तो देख सकती है पूरा का पूरा बुक आपके सामने है मेरे दोस्तों, पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित ये बुक आपके सामने है मेरे दोस्तों, तो देख लीजिए। प्लीज़ आप बुक को खरीदना चाहते हैं तो बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप बुक को खरीद सकते हैं मेरे दोस्तों। और मैं बता दूं मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो एसएससी जीडी की गाइड भी मिल रही है, स्टडी गाइड भी मिल रही है, और आपको यहाँ पर मेरे दोस्त यहाँ पर जो आपका यहाँ पर रायपुर में जीडी का आपको यहाँ पर सॉलिड पेपर भी मिल रहे हैं, तो दोनों आप खरीद सकते हो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे दोस्तों। तो दोस्तों आपको 777 क्वेश्चनों की महा सीरीज आपको कहां मिलेगी, वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसके अंदर पूरी की पूरी आपकी 777 क्वेश्चनों की। और बता दो आपको हिंदी के भी आपको भाई मैं बता दू हिंदी के भी आपको लगभग 2500 प्लस क्वेश्चनों की मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, वो कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। मैथ का भी आपको पर्सनल, यदि आप चाहते हो कि भाई मेरे को आपको एक टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज 20 से 25 क्वेश्चन हर टॉपिक के मैं डाल दूंगा जो बीएसएफ ट्रेड्समैन में आने वाले, और इनका सोल्यूशन मैं आपको विद सोल्यूशन डाल दूंगा, मैथ का भी सॉल्यूशन मैं आपको डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वो सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इन सब की जानकारी आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा ये कि जो भी नोटिफिकेशन आता है उसकी जानकारी मिल जाती है, साथ में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। अब जो बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो भाई उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड है, कई बच्चे कॉल करेंगे सर व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर दोस्त एक के पास भी नहीं भेजा जाएगा, सीधा कह रहा हूँ एक के पास भी व्हाट्सएप पर नहीं भेजा जाएगा। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं व्हाट्सएप पर भेज दूंगा, यार व्हाट्सएप पर एक के पास भेजना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो आपसे रिक्वेस्ट है सारे सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको अब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज आप जरूर ज्वाइन करें मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम दोस्तों।